हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पिंजरे में मटकी बांधने का एक नया तरीका बताने वाला हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक के ऊपर, आपने उसमें बहुत सारा प्यार दिया, लगभग 3,30,000 से भी ज्यादा व्यूज है। तो दोस्तों, आज वही चीज मैं आपको एक नए तरीके से सिखाने वाला हूं, जिससे आपको पिंजरे में या किसी की कॉलोनी के कॉर्नर पोर्शन पे मटकी बांधने में आपको बहुत आसानी रहेगी। आप इजीली उसको लगा भी सकते हैं, प्लस रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आपको नया तरीका सिखाने वाला हूं कि मटकी को हम पिंजरे में कैसे बांधेंगे। जैसा कि आपको पता है था, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि ये हुक वाला पोर्शन है, इसे आप हुक में लगा के आप इसको टांग सकते हैं। इसे हुक में लगा देंगे, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको दिखाया था कि ऐसा वाला तार, अब मैं अगर मेरे को कॉलोनी के इस कॉर्नर पे बांधना है तो ये कैसे बांधूंगा, तो इस तरीके से ये तार का मुंह खुला रखूंगा और इस तार का मुंह ऐसे खुला रखे यहां पर, अब मैं बांधूंगा और अंदर से इसको टाइट कर दूंगा, ठीक है। ये चीज तो मैं आपको उस वीडियो में दिखा चुका हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से देखिएगा। ये एक मटका है, ठीक है। अब मुझे इस चाली में इजीली तरीके से लगाना है बिना किसी के हेल्प के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, या फिर किसी भी पिंजरे में, ये कॉलोनी में हर जगह किसी भी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कॉर्नर वाला पोर्शन हो चाहे पिंजरे का अंदर वाला पोर्शन हो, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, मैं यहां कर रहा हूं और मैंने ये हांडी फिट कर दी। तो बताइए कैसा लगा, कोई दिक्कत हुई? नहीं नहीं हुई ना, बहुत आसानी से आपकी ये हांडी जाली में फिट हो गई। आपके पिंजरे में भी फिट हो सकती है और ये कॉलोनी में भी फिट हो सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज मैं आपको यही तरीका बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो रुको जरा, सबर करो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको ये वाला जो पोर्शन है ये आपको कैसे बनाना है, ये ऐसा हुक बनाना है। अब ये हुक बनाएंगे कैसे, ये मैं आपको अभी सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। मेरे पास कोई और रास्ता है इस पैटर्न में हांडी बांधने के लिए? हाँ, आपके पंजरे में हांडी को बांधने के लिए आपको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी? प्लास की एज यूजुअल जरूरत पड़ेगी। कटर मैंने चेंज किया, पिछले वीडियो में मेरे पास छोटा कटर था, अभी मेरे पास बड़ा कटर है और ये मोटे तार को बहुत आसानी से काट देता है। तो एक कटर की जरूरत पड़ेगी, दूसरी तार की जरूरत पड़ेगी। ऐसे देखिए, तार का बंडल मैं लेके आया हूँ है। अभी ये तार का बंडल आपको हार्डवेयर की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। तार देखिए थोड़ा सा मोटा है, देखिए तार थोड़ा सा मोटा है क्योंकि हांडी को संभालने के लिए हुक सिस्टम में तार थोड़ा मोटा चाहिए। इसमें लचीला तार बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसे ध्यान रखिएगा नहीं तो मटकी गिर जाएगी। तो मैंने क्या किया, तार को अपनी हांडी के साइज के, ये हांडी में मैं तार बांधने वाला हूँ, ठीक है। अब इस हांडी में इसको बांधने वाला हूँ तो इसके साइज के अनुसार मैंने इसको काट लिया, थोड़ा सा बड़ा ही काटा है, बाद में मैं काट के इसको छोटा कर सकता हूँ, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है। आप ध्यान से देखिएगा इसको मैं कैसे बांध रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बोलो जुबा केसरी। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए इस वाली मटकी में मेरे को बांधना है, ठीक है। तो ये मुंह का तरफ है और तो मैं जो तार लूंगा, ये देखिए मैंने तार इसके साइज के हिसाब से मैं इसी तार काट लिया है, ठीक है। अब इस तार को मैं बांधूंगा आपके सामने, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो मुंह तरफ है इसके उल्टी तरफ, जैसे ये देखिए, अब ये देखिए ठीक तार के इस मुंह के ठीक उल्टी तरफ मेरा ये हुक आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस हुक को अब इसको मैं सिंगल भी लगा सकता हूं, सिंगल भी ऐसे मोड़ के सिंपल सा क्या करूंगा, ये देखिए कितनी देर लगी, बन गया, बस इतना ही चाहिए था। इससे क्या होगा, आपकी हांडी बिल्कुल सुरक्षित आपके पिंजरे में फिक्स हो जाएगी। हाँ, आप अगर इसको ज्यादा मजबूती देना चाहते हैं तो इस हुक को आप डबल कर सकते हैं, अगर हांडी बड़ी है तो आप कीजिएगा, वरना इसकी इतनी मजबूती है
कि इसको हैंडलिंग कर देगा। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसी हांडी को, इतना सा ही काम था इसमें। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको हांडी लगाने में, छोटा पिंजरा हो या बड़ी कॉलोनी हो, कहीं भी किसी भी जगह अपनी हांडी को आप सेट कर सकते हैं। क्या बात है बॉय। तो दोस्तों जैसा कि आप इस पिंजरे को अच्छी तरह जानते हैं, मेरे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इस पिंजरे को अच्छी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखा अगर मैं इस पिंजरे में यहां पर हांडी सेट करूंगा तो कैसे करूंगा, जिस इसको लगाया और मेरी हांडी फिट। इतनी खुशी मुझे आज तक। अब इसको छोटा करना है या बड़ा करना है, छोटा ही होगा, ये बड़ा नहीं होगा, इतना लंबा लटकेगा नहीं, ये छोटा होगा। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया पैटर्न क्या है, तरीका क्या है। अब इस तरीके से आप अपने पिंजरे में कहीं भी कितनी भी हांडियाँ टिका सकते हैं। आपको बांधने की जरूरत नहीं है और आपको किसी दूसरे की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद अकेले ये काम ईजिली कर सकते हैं और बहुत जल्दी ये काम हो जाता है, समझ गए ना। अब मैं इसको अगर डबल कर दूं, अब मान लीजिए मैं इसको डबल कर रहा हूं, मैं डबल करके आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों तो मेरा ये डबल तैयार हो गया। अब मैं देखिए, अब मैं कितनी आसानी से इस पिंजरे में इसको लगा दूंगा। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। मिरेकल। छोटा भी हो गया और सेट भी हो गया। अब इसका मुंह आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये देखिए मैं थोड़ा इसका मुंह घुमा देता हूं। ये जब आप लगाएंगे तो इस तरीके से आपको लगाना है, पीछे आपका हुक रहेगा और सामने आपका छेद रहेगा जिसमें से बजीस या लबड़ आना जाना करेंगे। तो इस तरीके से आपको आपकी मटकी बांधनी है पिंजरे में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये तरीका, पसंद आया ना। तो आप भी अपने मटकी में ये अप्लाई कर सकते हैं और अपने पिंजरे जो बजीस के पिंजरे या कॉलोनी है या लबड़ का पिंजरा है जो भी है उस पर आप बहुत आसानी से अपनी मटकी सेट कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपकी मटकी भी फर्स्ट क्लास रहेगी। जब चाहे उसको रिमूव कर सकते हैं, जब चाहे उसको आप लगा सकते हैं। आप इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपको कितनी आसानी हुई अपने पिंजरे में मटकी लगाने में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत पसीने छूटते हैं। खैर आप लोग तो वीडियो देखेंगे ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सेफ रहें और उससे भी ज्यादा स्वस्थ रहें। जय हिंद।